नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अंबाला में फूड आर्टिकल्स डीलर वेलफेयर सोसाइटी का गठन हो चुका है और ये सोसाइटी बाजारों में जो दुकानदार हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। और इसके प्रधान जो हैं विकास सिंगला, वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कारण था उन्हें ये नई जो सोसाइटी है उसका गठन करना पड़ा। विकास जी, पहले पंसारी बाजार के आप प्रधान रहे हैं, अब ये नई सोसाइटी क्या कारण है? ये एक हमारा इसके अंदर मूलभूत कारण ये है कि इसके अंदर व्यापारी भाई चाहते थे कि एक संगठन में आए हम, और इसीलिए हमने बनाई है कि लोग जैसे ना एक दूसरे से सामान लेते हैं तो वो एक दूसरे का पैसा भी रुक जाता है तो वो दूसरा दुकानदार सामान दे देता है उसको, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक उस COVID-19 का चल रहा है बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर प्रकोप है, तो इसके अंदर व्यापार एकदम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसके लिए कस्टमर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। व्यापारी सुबह से ले शाम तक दुकान खोलता है, कस्टमर भी कम है, और कस्टमर आता है तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है जिससे व्यापारी एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमने दिशा निर्देश करे हैं कि कोई भी आपके पास कोई भी कस्टमर सामान लेने के लिए आता है तो आप उसको पहले सैनिटाइज करें, और उसको मतलब कि फीवर भी उसका चेक करा जाए, और उसको मास्क अगर उसके पास नहीं है तो आप प्रोवाइड करें, और आप भी मास्क लगा के रखें, जो आपके वर्कर हैं उनको भी मास्क मतलब कि प्रोवाइड कराएं, तभी उसको सामान दिया जाए। इसके अंदर हमने ये कुछ करा है, बाकी व्यापारी के हित के लिए हम लोग खड़े हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मतलब होम मिनिस्टर साहब की ये होम सिटी है, तो इसके अंदर हमेशा ही कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई आवाज़ सुनी जाती है तो अनिल विज जी के यहाँ पे आवाज़ सुनी जाती है, तो हम यही कहेंगे कि उनके आशीर्वाद से ये हमारी संस्था पूरी तरह से चल सके, और कोई भी हमारे व्यापारी की बात है वो हमारी सुने, और सुनते आए हैं हमेशा। व्यापारियों के हित की आपने बात की, किस तरह के मुद्दे उठाएंगे और कहां तक उठाएंगे? व्यापारियों के मुद्दे के अंदर आजकल व्यापार बहुत ज़्यादा एकदम से प्रभावित है, तो उससे हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। कोविड के अंदर रिटर्न्स भरने होते हैं, टैक्सेस भरने होते हैं, उसके अंदर हम रिलैक्सेशन चाहते हैं, वो एक संगठन के माध्यम से ही वो बात प्रशासन तक जा सकती है, और प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल साथ मिलते, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी प्रशासन के साथ बिल्कुल उनके दिशा निर्देश में चलें, और हम एक सोसाइटी के माध्यम से ये हर एक कस्टमर के पास पहुँचाना चाहते हैं कि इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और अंबाला के अंदर जिस तादाद में ये कोरोना के पॉजिटिव मामले आ रहे हैं इस कोरोना से ही बचा जाए। मेन ये हमने जो मीटिंग करी थी कोरोना से बचने के लिए भी करी थी, और व्यापारियों के हमने हितों के लिए बात करी है, और जो व्यापारियों की समस्याएं आई हैं ये हमारी ऑब्जेक्टिव की मीटिंग थी। आप पंसारी बाजार के प्रधान हैं, क्या सिर्फ इसमें पंसारी बाजार के लोग हैं या अन्य बाजारों भी? इसके अंदर हमारे यहाँ से दाल बाजार है, अनाज मंडी है, तोपखाना बाजार है, जैसे लाल कुर्ती बाजार है, रजमन बाजार है, तो सब्जी मंडी के अंदर से भी जो FMCG की जिसके पास एजेंसियाँ हैं, फूड आर्टिकल के अंदर इसके अंदर सभी लोग आते हैं, और ये संस्था अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छे लोग जुड़े हैं इसके साथ और भी आगे जुड़ेंगे। तो साफ तौर पर ये जो नई संस्था बनी है ये व्यापारियों के हित के लिए काम करेगी, और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं COVID-19 के दौर में लॉकडाउन लगा था उस दौरान जो दिक्कतें इन्हें आई हैं उन्हें सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का इस संस्था के तहत काम किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो आप साथ साथ स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब इस नई संस्था ने पूरे बाजार के साथ मिलकर मीटिंग की है, जिसमें सभी लोगों ने ये आश्वासन दिया है एक दूसरे को कि सभी लोग मिलकर मार्केट के जो हित है उसमें काम करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।